नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का द करेंट अफेयर्स शो में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग 21 से लेकर 26 मई 2022 में घटित प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे। यह 21 से 26 मई 2022 के पार्ट वन का वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का यह सेशन। तो सर्वप्रथम है, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इस दिवस को मनाने का जो मूल उद्देश्य है वह है चाय श्रमिकों की सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों, निष्पक्ष व्यापार और चाय के उत्पादन में सुधार के लिए एक स्थायी वातावरण तैयार करने के बारे में जागरूकता पैदा किया जाना इस दिवस के मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। उल्लेखनीय है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ हम लोग एक डेटा को देखें तो भारत जो है कुल उत्पादित चाय का लगभग 80% घरेलू आबादी द्वारा, भारत की घरेलू आबादी के द्वारा उपभोग कर लिया जाता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 30,307 करोड़ रुपए के अधिशेष को हस्तांतरित किया है। यह जो किया है 2021-22 के वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए यह हस्तांतरण RBI के द्वारा किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि RBI अपनी बैलेंस शीट में 5.50% पर जो कंटिंजेंसी रिस्क वफर होगा या आकस्मिक जोखिम वफर जो होगा उसे बनाए रखने के पश्चात ही अपने अधिशेष का जो ट्रांसफर है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करती है। और यह जो दर निर्धारित किया गया है यह है बिमल जालान समिति की रिपोर्ट के आधार पर RBI इस न्यूनतम आकस्मिक जोखिम वफर को बनाए रखना RBI के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरुष टीम की कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीते हैं। यह जो तीरंदाजी विश्व कप 2022 है इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, तीरंदाजी विश्व कप 2022 का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में किया जा रहा है। भारत की ओर से खेलते हुए अभिषेक वर्मा, अमन सैनी और रजत चौहान ने भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस स्पर्धा में भारतीय महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। भारतीय महिलाओं में अवनीत कौर, मुस्कान किरार और प्रिया गुजर की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने इस प्रतियोगिता का कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है परम पोरुल सुपर कंप्यूटर। तो 25 मई 2022 को NIT तिरुचिरापल्ली में परम पोरुल नाम से एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया। यह जो सुपर कंप्यूटर है भारत के राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसका निर्माण किया गया है। और यह जो पहल है मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। परम पोरुल जो है यह आपका सिस्टम जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जा सकता है परम पोरुल सिस्टम किस कूलिंग तकनीक पर आधारित है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग सिस्टम पर हमारा परम पोरुल, जिसे NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है, पर आधारित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया और यह दिवस 2008 में पहली बार अस्तित्व में आया था। इस बार के विश्व थायराइड दिवस का जो थीम था वह है इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। ध्यान रखिएगा, विश्व थायराइड दिवस 2022 का थीम था इट्स नॉट यू इट्स योर थायराइड। नेक्स्ट है बोंगो सागर एक्सरसाइज, यह द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है किसके मध्य, तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के मध्य यह द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। इसका तीसरा संस्करण 24 मई 2022 को
पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। बोंगो सागर नौसैन्य अभ्यास का तीसरा संस्करण पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में प्रारंभ हुआ। इस नौसैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगले अध्यक्ष के रूप में पुनः टेड्रोस गेब्रेसस की नियुक्ति की गई है और यह नियुक्ति 24 मई को अगले 5 वर्षों के लिए टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस के रूप में की गई है। इन्हें फिर से महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस जो है इथियोपिया के पूर्व सरकारी मंत्री रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, और एजेंसी का नेतृत्व करने वाले एकमात्र अफ्रीकी महानिदेशक हैं जो पेशे से चिकित्सक नहीं हैं। टेड्रोस एडनॉम गेब्रेसस क्या है? पेशे से चिकित्सक या डॉक्टर नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, WHO का गठन कब हुआ है, तो 7 अप्रैल 1948 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ डे 2022 यह प्रत्येक वर्ष 24 मई को भारत तथा कुछ देशों में मनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि राष्ट्रमंडल दिवस अधिकांश देशों में मार्च के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, परंतु भारत तथा अन्य देशों में इसे 24 मई को मनाया जाता है। इस बार के राष्ट्रमंडल दिवस 2022 का थीम क्या था? डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर राष्ट्रमंडल दिवस 2022 की थीम थी। और यह जो दिन है राष्ट्रमंडल दिवस का, यह शांति, समानता और लोकतंत्र के साझा मूल्यों को समझने और उसके विषय में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि राष्ट्रमंडल देश पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश थे और ब्रिटिश उपनिवेश ही मूलतः राष्ट्रमंडल देशों में शामिल हैं। नेक्स्ट है, संगीत कलानिधि अवार्ड। संगीत कलानिधि अवार्ड जो है इसकी घोषणा 22 मई को वर्ष 2020-21 के लिए विजेताओं की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार को कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी के द्वारा प्रदान किया जाता है। 2020 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रसिद्ध गायक नेवेली आर संथान गोपालन को प्रदान किया गया है। वहीं 2021 के लिए मृदंगम वादक तिरुवरूर वक्त वत्सलम को प्रदान किया गया है और 2022 के लिए वायलिन वादक लालगुड़ी जीजे आर कृष्णन और जीजे आर विजय लक्ष्मी को 2022 के लिए संगीत कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, सिरुई लिली फेस्टिवल 2022। तो यह जो महोत्सव है यह 25 मई से प्रारंभ होगा और इस वर्ष इसका 2022 में चौथा संस्करण है। यह महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है जो कि एक राज्य स्तरीय महोत्सव है। यह महोत्सव मणिपुर के पर्यटन विभाग के द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? तो सिरुई लिली के फूल के विषय में जागरूकता पैदा करने और बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। उल्लेखनीय तथ्य है कि सिरुई लिली जो है मणिपुर का राजकीय फूल है, राज्य फूल भी है। यह फूल केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, विश्व में यह केवल मणिपुर में पाया जाता है और मणिपुर के उखरुल जिले में ही इसकी प्राप्ति हो सकती है। उखरुल जिले में ही इसे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है, पार तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसे गुजरात सरकार ने हाल ही में क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। क्यों? तो स्थानीय आदिवासी निवासियों के लगातार विरोध के कारण गुजरात सरकार ने पार तापी नर्मदा नदी जोड़ो परियोजना रद्द कर दी है। उल्लेखनीय तथ्य है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के वित्तीय बजट में इस नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक प्लान। तो आपका 23 मई में जो क्वाड का जापान के टोक्यो में क्वाड सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने
23 मई को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की घोषणा की है। यह एक व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता होने वाला है और इस समझौते को मूल रूप से चीन के आर्थिक प्रभुत्व को काउंटर करने के लिए अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस साझेदारी में प्रारंभ में विश्व के 13 देश जुड़े हैं जिनका विश्व जीडीपी में योगदान लगभग 40% का है। अब ये 13 देश हैं कौन कौन, तो ध्यान रखिएगा, सात आसियान के देश भारत हो गया, जापान यानी क्वाड के चारों देश, याद रखिएगा क्वाड के चारों देश, इसके अतिरिक्त न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया इस आर्थिक साझेदारी में शामिल हुए हैं। 7 आसियान के देश, 4 क्वाड कंट्रीज और न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया इस अमेरिका के इस नवीन इंडो पैसिफिक आर्थिक योजना फॉर प्रॉस्पेरिटी में शामिल होने वाले 13 देश हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वार्डेक, तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रन वॉर गेम सेंटर कौन होगा, तो प्रोजेक्ट वार्डेक के तहत सेना के प्रशिक्षण कमान ने नई दिल्ली में वॉर गेम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर विकसित किया है और इस सेंटर का जो विकास है गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से इसकी स्थापना की जा रही है। यह जो सेंटर होगा यह भारत में अपनी तरह का पहला सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण केंद्र होगा जो वर्चुअल रियलिटी वॉर गेम्स को डिजाइन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई थी, तो 2009 में। नेक्स्ट है हाइपरलूप सिस्टम, तो भारत का पहला हाइपरलूप विकसित करने के लिए इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ समझौता किया है। हाइपरलूप तकनीक जो है मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर काम करती है। ध्यान रखिएगा मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक, जिसे हम लोग चुंबकीय उत्तोलन भी कहते हैं, इस तकनीक पर हाइपरलूप काम करता है जिसमें लो प्रेशर वाली ट्यूबों में हवाई जहाज जैसी गति प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है भारत के, तो अश्विनी वैष्णव भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट है दिल्ली के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन विनय कुमार सक्सेना के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, विनय कुमार सक्सेना पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल का स्थान लेंगे जिन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इनकी जो नियुक्ति की गई है वह 23/5/2022 को राष्ट्रपति भवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन ने जीत लिया है। मैक्स वेरस्टैपेन जो है रेडबुल फॉर्मूला 1 के ड्राइवर हैं और इन्होंने 22 मई को बार्सिलोना में आयोजित स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। नेक्स्ट है इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाली पहली इकाई ONGC बन गई है। ONGC भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली पहली एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी यह बनी है। इस गैस का जो कारोबार है ONGC के कृष्णा गोदावरी 98/2 ब्लॉक से किया जाएगा और इस गैस एक्सचेंज के माध्यम से जो गैस जो बेचा जाएगा इसकी मात्रा को धीरे धीरे ONGC बढ़ाएगी। ONGC के वर्तमान MD और CEO अलका मित्तल हैं। ध्यान रखिएगा ONGC की प्रमुख अलका मित्तल ONGC की प्रमुख हैं। नेक्स्ट है ज्योति याराजी ने ब्रिटेन में 100 मीटर की बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया है। यदि हम लोग देखें तो इससे पूर्व ज्योति याराजी ने लिमासोल साइप्रस इंटरनेशनल मीट के दौरान 10 मई को 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.23 सेकेंड का बनाया था जिसे उन्होंने पुनः
ब्रिटेन के लॉफवोरो इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीट में 13.11 सेकंड का समय लेकर के 100 मीटर की बाधा दौड़ जीत ली है। और ज्योति याराजी जो हैं वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली भारतीय महिला धावक हैं। नेक्स्ट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए एआर वेंकट चलपति का चयन किया गया है। ये हैं कौन? तो ये एक इतिहासकार हैं जो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं। इन्हें 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसे इयाल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें इस अवार्ड के लिए चुना गया है। यह जो पुरस्कार है मूल रूप से उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने तमिल साहित्य के विकास में या उसके अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में यह ड्रोन सिस्टम जो है अमेरिका की कंपनी रेडक्लिफ लाइफ टेक के साथ समझौते के तहत उत्तराखंड में ड्रोन की वाणिज्यिक उड़ान प्रारंभ की गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि रेडक्लिफ लाइफ टेक ने हाल ही में उत्तरकाशी और देहरादून के मध्य वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर खोला है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ड्रोन कॉरिडोर कहाँ से? तो उत्तरकाशी और देहरादून, और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन सिस्टम लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। ध्यान रखिएगा, दोनों ही प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो सिस्टम है इसको बनाने वाली कौन सी संस्था है? तो रेडक्लिफ लाइफ टेक, जो अमेरिका की एक संस्था है। नेक्स्ट है, टाइम के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में गौतम अडानी, करुणा नंदी तथा कश्मीरी मानवाधिकार कार्यकर्ता खुर्रम परवेज को शामिल किया गया है। ये तीन भारतीय हैं जिन्हें इस बार 2022 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में टाइम के द्वारा शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस, इसे भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये है मूलतः क्या? तो ये छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है जो हिंदी सहित 8 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा। मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस जो कार्यक्रम है, इसे भारत के 75 शहरों में लॉन्च किया गया है। अब ये 75 शहर ही क्यों? क्योंकि भारत अपनी स्वतंत्रता का 75वां दिवस मना रहा है, जिसे हम लोग अमृत महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, 75 शहरों में मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस जो छात्रों के लिए एक ऑनलाइन निवेश जागरूकता कार्यक्रम है, जिसे हिंदी और 8 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा, को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आभा मोबाइल एप्लीकेशन, इसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया है, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा संशोधित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता के लिए आभा इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM की प्रमुख योजना के तहत लॉन्च किया गया है। वहीं इस एप्लीकेशन में एक व्यक्ति को एक आभा एड्रेस बनाने में किसी व्यक्ति को सक्षम बनाएगी, और आसानी से याद रखने योग्य एक यूजर नेम यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसे 14 अंकों के आभा नंबर के साथ ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें व्यक्ति के सारी स्वास्थ्य सूचनाएं अंकित की जाएंगी। नेक्स्ट है, मैक्सिमम फोर्स इन IPL हिस्ट्री। तो IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन पंजाब किंग्स 11 के सलामी बल्लेबाज हैं, और इन्होंने 22 मई 2022 को सनराइजर्स हैदराबाद के साथ खेले गए IPL 2022 के आखिरी लीग चरण के मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की है।
शिखर धवन के पश्चात क्रमशः डेविड वार्नर दूसरे स्थान और विराट कोहली तीसरे स्थान पर चौके लगाने के मामले में स्थित हैं। नेक्स्ट है एंथोनी एल्वनीज ऑस्ट्रेलिया के अगले प्रधानमंत्री होंगे और हाल ही में जो जापान में क्वाड सम्मेलन हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में एंथोनी एल्वनीज ने ही शिरकत की थी। ये ऑस्ट्रेलिया के लेबर पार्टी के नेता हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को राष्ट्रीय चुनाव में पराजित करने के उपरांत ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 23 मई को इनकी नियुक्ति की गई है ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री के रूप में। और यदि हम लोग देखें तो क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है जिसकी राजधानी कैनवरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवरा है। 21 से लेकर 26 मई 2022 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित द करेंट अफेयर्स शो का आज का पार्ट वन का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।